नादी, मेरा नाम इश्तियाक दारी है, मेरा दारिल से ताल्लुक है। मैं इस वक्त कलगा जो दारिल का आखिरी गांव है उसी जगह में मौजूद हूँ। ये आप देख सकते हैं यहाँ एक बहुत बड़ा दरिया यहाँ आ रहा है। ये यहाँ से आगे तकरीबन मैं यहाँ जहाँ खड़ा हूँ यहाँ से आगे तकरीबन कम से कम 500-600 घराने हैं और यहाँ से आगे खाई सुकून है। यहाँ इसी पूरे एरिया में कोई सुकून नहीं है। अब ये अप्रैल के एंड में ये दरिया आपने खुद देखा होगा कितना बड़ा दरिया। अप्रैल के एंड में ये दरिया आता है जाके जुलाई के 50 जुलाई तक। तो इस सीज़न में या अप्रैल के एंड से जुलाई के 15 तक यहाँ से कोई बच्चा इसी दरिया को क्रॉस करके सुकून नहीं जा सकता। तो सबसे बड़ा मसला ये है कि यहाँ के जो बीमारी होती है भी मसला आपने देखा है, आज गाड़ी फंसी हुई थी दोबारा वो वापस चली गई। तो सबसे बड़ा मसला यहाँ एजुकेशन का मसला है। तकरीबन हमारे 600-700 बच्चे हैं अप्रैल के एंड से जुलाई तक तालीम से महरूम हो जाते हैं। और ये एक इंतहाई सर्द इलाका है। ये दिसंबर जनवरी फरवरी अप्रैल में यहाँ बर्फ़ जमती है और बहुत ज़्यादा मतलब बर्फ़ होती है 600-700 फुट। उस सीज़न में यहाँ सुकून वैसे कम होती है। जब सीज़न होता है सुकून का तो ये दरिया के बहाव की वजह से यहाँ बच्चे तालीम हासिल नहीं कर सकते। आसाम वाले से गुजारिश है कि इसी जगह में फ़ौरन पुल तामीर करें ताकि हमारे बच्चे यहाँ आके अच्छा तालीम हासिल कर सकें। तो मेरी आसाम वाले से गुजारिश है कि यहाँ जल्द अज जल्द पुल तामीर करें।